स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बेटा। आज हम क्लास फोर में इस्लामियत का लेक्चर नंबर टू डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर टू में हम बाबे अव्वल का सबक नंबर पाँच सूरह इख़लास के सवाल जवाब करेंगे। बेटा इसकी सूरह इख़लास की रीडिंग आपको पहले भी बताया गया था कि आपने अपने वालिदैन की निगरानी में करनी है। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि सूरह काफिरून और सूरह इख़लास दोनों सबक की रीडिंग और मश्क आप अपने वालिदैन की निगरानी में घर पर करेंगे। इस मश्क में जो है एमसीक्यूज या ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, बाकी जो सवाल जवाब है वो हम आपको लेक्चर में डिलीवर करेंगे। तो बेटा आप अपनी इस्लामियत की बुक्स खोल लें और सबक बाबे अव्वल का सबक नंबर पाँच सूरह इख़लास ओपन करें। सूरह इख़लास का सवाल नंबर एक है, सूरह इख़लास कुरान मजीद के किस पारे में है। सवाल है सूरह इख़लास कुरान मजीद के किस पारे में है। तो इसका जवाब है सूरह इख़लास कुरान मजीद के तीसवें पारे में है। सूरह इख़लास कुरान मजीद के तीसवें पारे में है। सवाल नंबर दो है, सूरह इख़लास में कितनी आयात है। सूरह इख़लास में कितनी आयात है। तो उसका जवाब है सूरह इख़लास में चार आयात है। सूरह इख़लास में चार आयात है। आगे है सवाल नंबर तीन। सवाल नंबर तीन है, सूरह इख़लास पढ़ने का सवाब कितना है। सवाल नंबर तीन है बेटा, सूरह इख़लास पढ़ने का सवाब कितना है। तो इसका जवाब है सूरह इख़लास पढ़ने का सवाब एक तिहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। फिर सुन ले, सूरह इख़लास पढ़ने का सवाब एक तिहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। जी बेटा ये सूरह इख़लास के थ्री क्वेश्चन हैं जो आपको करवाए गए हैं। फिर एक दफा बता रही हूँ कि सूरह काफिरून और सूरह इख़लास दोनों सबक की रीडिंग और इसके मश्क जो है यानी ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपने अपने वालिदैन की निगरानी में घर पर करने हैं, बाकी सवाल जवाब जो है वो आपको करवाए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं आपने इनको पहले लीड आउट करना है और फिर अपनी इस्लामिक की नीट नोटबुक पर ये काम उतारना है और उन्हें अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि सबक ख़त्म होने के बाद बेटा इन तमाम असबाक के टेस्ट बना के भी आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। वो टेस्ट आपने करके फिर ऑफिस में जमा करवाने होंगे। इसलिए जो भी काम आपको दिया जा रहा है इसको बहुत एहतियात से और अच्छे तरीके से करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।